ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 6 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये सब हमने कर लिए थे टिल क्वेश्चन नंबर 10, 12 ओके 12 तक हमने कर लिए थे, यहाँ तक कर लिया ठीक है। तो ये श्रीराज सुमा मैंने भी सॉल्व कर ली, तो सॉल्यूशन में मज़ा नहीं आ रहा तो मैंने खुद एक बार ट्राई करके देखी। तो इस क्वेश्चन के अंदर 13th क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, पार्टिकल ऑफ यूनिट मास। देखो पहली बात तो ये काइनेमेटिक्स में मास का कोई रोल नहीं है, क्योंकि कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन मास इन्वॉल्व नहीं करती। वी इज यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में मास कभी नहीं आता। तो कंफ्यूज करने के लिए मास दे सकता, लेकिन मास चाहिए नहीं होता। तो इसके अंदर वो कह रहे हैं वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये समझ लें, अगर वी के ब्रैकेट में एक्स है, इसको ऐसे रीड करते हैं वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इसका मतलब ये होता है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी एक्स पे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी के फॉर्मूले में एक्स आएगा। तो ये सिर्फ बताने के लिए होता है, लेकिन ये ऐसा ना समझे v इंटू एक्स है, नहीं v इंटू एक्स नहीं है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x, इसके इक्वल है। तो आप सिंपल भी लिख लें तो भी चलेगा, क्योंकि आपको दिख ही रहा है कि वेलोसिटी x पे डिपेंडेंट है। तो बस पता होना चाहिए, टेक्निक है ये, फिजिक्स और मैथ्स वाले यूज करते हैं फंक्शन, तो ये बताने के लिए कि कौन किस पे डिपेंडेंट है। तो इसके अंदर आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या समझे, एक्सेलरेशन निकालो जो x के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में क्या आएगा, x भी आएगा, तो बताओ वो फॉर्मूला क्या होगा। तो मैंने क्या किया, ये वेलोसिटी है, इसको डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी की वैल्यू बीटा इंटू एक्स की पावर माइनस टू एन, बीटा कॉन्स्टेंट आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज टू पावर माइनस टू एन। यहां से पावर नीचे आ गई माइनस टू एन, एक्स की पावर माइनस टू एन माइनस वन इंटू डी एक्स बाई डी एक्स नहीं, इंटू डी एक्स बाई डी टी। पर डी एक्स बाई डी टी क्या होती है, वेलोसिटी v। तो आप इस वेलोसिटी की वैल्यू को जो ऑलरेडी हमें गिवन है, इस v की वैल्यू को यहां से निकाल के आप यहां पुट कर दें। तो v की वैल्यू को जब आप यहां से निकाल के यहां पुट करेंगे तो ये टर्म आएगी, बीटा इंटू बीटा क्या बनेगा, बीटा स्क्वायर। x और x की टर्म जब मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, एड। तो ये इसका आंसर आएगा, तो आंसर मार्क कर लेना इसका। क्या ये पॉइंट क्लियर है कि कैसे इस क्वेश्चन को किया, ठीक, सारी गेम कैलकुलस की है। तो कैलकुलस का फिर से ट्राई करना है, ये शीट जिन्होंने नहीं की वो एटलीस्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। बट आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि कैसे करना है, इसे टेक्निक समझ में आ रही है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं किया, बस ये क्वेश्चन तुमने बहुत सारे किए हुए हैं, बस बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो फॉर्मूला है वो हर क्वेश्चन में चेंज हो रहा है और इसमें कुछ नई फॉर्मूला है, बाकी तो स्टेप बिल्कुल सेम ऐसे ही चल रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द पार्टिकल वेरीज एज, एक्स की वैल्यू ये आपको गिवन है, ये गिवन है, इसमें ए अल्फा बी बीटा सब कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ये एक्स गिवन है, आपको क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी। उसने ये नहीं कहा वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालो, उसने ये नहीं कहा वेलोसिटी की वैल्यू निकालो, वो कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी। तो पहला पार्ट है इज इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, दूसरा पार्ट है ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, गोज ऑन इंक्रीजिंग, गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। तो इसका मतलब कि हमें वेलोसिटी तो निकालनी पड़ेगी, तभी हम अपने ऑप्शंस को सही मार्क करेंगे, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता क्या है, डी एक्स बाय डी टी। एक्स की पूरी वैल्यू मैंने यहां पुट की, ठीक है, यहां तक ये पूरा एक्स मैंने यहां पर पुट किया, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म। पहली टर्म में ए बाहर आ गया डी बाई डी टी ऑफ ये टर्म, फिर बी बाहर आ गया d by dt of ये टर्म। कोई डाउट इसमें, क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब सबसे पहली चीज ये बताओ, वेलोसिटी के फॉर्मूले में अल्फा और बीटा आ रहा है या एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट तो नहीं हुआ ना, आ ही रहा है ना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन अल्फा एंड बीटा,
वेलोसिटी अल्फा बीटा पे डिपेंड करती है, हट तो नहीं गया वेलोसिटी डिफरेंशिएट करके, अल्फा बीटा हटा तो नहीं, तो इसलिए इसका ए आंसर तो नहीं हो सकता। वो कह रहा है कि वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, बिल्कुल नहीं, वेलोसिटी के फॉर्मूले में अल्फा बीटा दोनों अपना रोल प्ले कर रहे हैं, दोनों के दोनों आ रहे हैं, तो नॉट इंडिपेंडेंट। तो ए ऑप्शन क्लियर है, नहीं होगा। नेक्स्ट, ड्रॉप टू जीरो, वेलोसिटी जीरो हो गई कब, जब अल्फा बीटा के इक्वल कर लो पुट। अगर मैं यहां पर वेलोसिटी के अंदर इसे डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, ई की पावर एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती थी, ई की पावर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स क्या था, ई की पावर एक्स। सेम डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर माइनस अल्फा टी का आंसर क्या होगा, ई की पावर माइनस अल्फा टी इन टू डी बाई डी टी ऑफ माइनस अल्फा टी। तो अल्फा टी की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस अल्फा डी टी बाई डी टी, तो वन ही हो जाएगा, तो पीछे क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करके माइनस अल्फा। सिमिलरली बी इंटू इसकी डिफरेंशिएशन क्या है, ई रेस टू पावर बीटा टी इन टू डी बाई डी टी ऑफ बीटा टी, तो डी टी बाई डी टी वन है, तो बीटा बचेगा सिर्फ। क्या ये पॉइंट भी क्लियर है, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो पहली चीज, आंसर में अल्फा बीटा दोनों आ रहे हैं, नॉट इंडिपेंडेंट। दूसरी चीज, अगर अल्फा बीटा के इक्वल कर दूं, चलो सपोज करो मैंने बीटा को अल्फा पुट कर दिया, क्या आंसर जीरो आ रहा है, नहीं आएगा। अगर आप अल्फा को बीटा के इक्वल कर दें तो क्या ये टर्म कट जाएंगी, कभी नहीं कटेंगी, क्योंकि ये ई की पावर माइनस अल्फा टी है और ये ई की पावर बीटा टी है, कट ही नहीं सकती, तो आंसर जीरो नहीं आएगा। तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता ना, वो कह रहा है वेलोसिटी ड्रॉप टू जीरो जब अल्फा बीटा के इक्वल है, बिल्कुल गलत, आंसर जीरो आया ही नहीं। ये स्टेप भी क्लियर है, सेकेंड स्टेप क्लियर है, थर्ड स्टेप, वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है टाइम के साथ, अगर आपको ये आंसर देना है तो आप एक चीज मुझे बताएं, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल टू, ऐसे कर लें, पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लेते हैं, b e रेज टू पावर बीटा t इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू a e रेज टू पावर माइनस अल्फा t। क्या ये पॉइंट क्लियर है, पॉजिटिव टर्म आगे नेगेटिव टर्म पीछे, चलेगा। अच्छा ये बताओ, v इज इक्वल टू b इंटू e रेज टू पावर बीटा t इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू a डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर अल्फा t, क्योंकि e की पावर क्या है, माइनस अल्फा t, इसको नीचे ले गए तो ये पावर क्या हो गई, प्लस। सही है, इसमें कोई डाउट, तो पावर क्या हो गई, प्लस हो गई। अगर मैं स्मॉल t को इंक्रीज करूं, टाइम बढ़ा रहा हूं मैं, तो पहली वाली टर्म, ये वाली जो टर्म है वो बढ़ेगी कि कम होगी, बताओ, e की पावर है समथिंग, तो अगर मैं टाइम t को बढ़ाऊंगा ये टर्म इंक्रीज होगी, मानते हो। और ऐसी e की पावर अल्फा t में जब t बढ़ेगा तो ये वाली टर्म भी बढ़ेगी, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। डिनोमिनेटर जब बढ़ेगा तो फ्रैक्शन कम हो गया, टाइम बढ़ने से ये टर्म बढ़ती जा रही है और ये वाली टर्म कम होती जा रही है, तो ओवरऑल जो डिफरेंस होगा वो क्या होएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये टर्म 10 की जगह 100 हो गई, ये टर्म 10 की जगह 2 हो गई, तो ऑब्वियसली इनका डिफरेंस बढ़ेगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या मार्क करेंगे, वेलोसिटी टाइम के साथ अपनी वैल्यू को क्या करेगी, इंक्रीज। समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं, इसमें कैसे लॉजिकली आंसर देना है, तो आपने इसमें कुछ नहीं करना, टाइम जब बढ़ेगा तो ये वाली टर्म बढ़ेगी, टाइम जब बढ़ेगा तो ये वाली टर्म कम हो जाएगी, तो इनका डिफरेंस बढ़ता जाएगा, तो वेलोसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ठीक, कोई डाउट इसमें, पॉइंट्स को समझ में आ रहे हैं यहां तक, ठीक है, क्लियर है। तो मैथ ज्यादा है फिजिक्स कम है, सही बात है, ठीक है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे, फिजिक्स में तो यही सिखाया था बस मैंने, v इज इक्वल टू dx / dt बस, और कैलकुलस सिखा दिया था ऐसे कर लेना, बाकी दिमाग कहाँ से डाल दूँ सबके उसमें, घोल घोल के कैसे डालूँ कि फिजिक्स आ जाए, दिमाग तो खुद लगाना पड़ेगा, तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। आप मुझसे पूछें ये क्वेश्चन कभी आया, मैंने तो कभी देखा नहीं, मैंने तो पहली बार सॉल्व किया इस साल, इतने सालों में, तो ये अगेन वही बात, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, तो मैंने ट्राई कर नई असाइनमेंट है, मैंने लास्ट ईयर दी भी नहीं थी असाइनमेंट, ये पहली बार बनाई है, तो मैंने कहा मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, तो मैंने भी ट्राई कर ली, मुझे आती थी, ये देखो मेरे से हो गया, क्योंकि मैंने बहुत सारी क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो मुझे आइडिया है कि कैसे करना है।
पॉइंट समझ में आ रहा है, तो ऐसे ही आपको कुछ टाइम में आपको भी आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक। नेक्स्ट, और स्कूल लेवल के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, स्कूल लेवल ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, स्कूल लेवल बहुत ही बेसिक आएगा, वी इज यू प्लस ए टी, प्रूव वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, बस बिल्कुल इतना ही लेवल आएगा, जैसे वो सब्जेक्टिव पेपर में आपको आज दूंगा वो लेवल है, ठीक है। और जो कॉम्पिटिशन का लेवल है वो मुझे पता नहीं है, वो कुछ भी आ सकता है, पर नीट की बात करते हो तो एन सी आर टी लेवल आता है, बेसिक लेवल आता है, मेन्स में भी लेवल जो पहले आते थे उससे काफ़ी कम हो गए हैं, नॉर्मल आता है, हल्का सा थोड़ा सा ट्रिक होता है क्वेश्चन में, बहुत ही छोटा सा, अदरवाइज 50% पेपर बिल्कुल बेसिक के ऊपर ही बेस्ड है, बिल्कुल बेसिक के ऊपर है। तो यहाँ तक क्लियर है। और हाँ, एक और बात, मेडिकल के अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम थोड़ी सी कम रहती हैं जहाँ ज़्यादा कैलकुलस यूज हो, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन की इन्वॉल्वमेंट जिन न्यूमेरिकल में ज़्यादा हो वो थोड़ी सी कम रहती हैं, नॉन मेडिकल में रहती हैं। नॉन मेडिकल वालों को एक एडवांटेज है, प्लस टू में मैथ्स के टीचर आप लोगों को खूब डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करवाएंगे, एकदम मास्टर बना देंगे आपको डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का, क्योंकि 3 महीने का कोर्स ही यही है, तो आपको इन चीज़ों का डर ही निकाल देंगे वो, तो आपको फिजिक्स और आसान लगेगी, जब प्लस टू के बाद जब आप रिवाइज करेंगे आप कहेंगे कुछ भी नहीं है इतना मैं कर ही लूँगा, फिर तो आप उल्टा ये सोचेंगे कि ये ऐसे ही क्वेश्चन आने चाहिए हमें, कम से कम नॉन मेडिकल कहेंगे कैलकुलस बेस तो हैं कम से कम, तो ऐसा उल्टा हो जाएगा काम, राइट। पर चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट पोजिशन, एक्स की वैल्यू 90² - 90³ है, वॉट विल बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, एक्स निकालो वेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि पोजिशन एक्स क्या होगा जब स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी, राइट। मैंने ये क्वेश्चन आज सॉल्व किया, मेरे को आगे की फिजिक्स भी थोड़ी सी आती थी और मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलस आता है आपसे, उसमें एक और टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट वीक, मैक्सिमम मिनिमा, कोई चीज़ मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होती है उसके रूल्स होते हैं, तो मैंने ये कैलकुलस को यूज़ करके किया, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि शायद ये आज मैं नहीं करवाऊंगा, पर आज वो आज क्लास में प्रैक्टिस सेशन में जब आपसे डिस्कशन हुई मैंने उसे पूछा स्टूडेंट से, भाई तूने कर लिया, वो कहता जी मैंने तो कर लिया, मैंने कहा कैसे किया, तो उसने बढ़िया टेक्निक बताई, मेरे को क्लिक ही नहीं किया, और देखो आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो अच्छा कॉन्सेप्ट लगाया, इतना मैं मतलब इतना एक्सपीरियंस के बाद भी कई बार नहीं क्लिक करता, हम उसी फॉर्मेट में काम करते हैं कि हाँ यार मैक्सिमम मिनिमम उठा के ये कर देंगे, कि हमारे लिए रूटीन काम है मैक्सिमम मिनिमम, तो अच्छा कॉन्सेप्ट लगाया। क्या किया उसने, वो कहता है देखो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, एक्स की वैल्यू है हमारे पास, वेलोसिटी निकालने के लिए हमने क्या किया इसे डिफरेंशिएट, तो हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, ये 2t और ये 3t², 18t - 3t², राइट, ये आया। तो अब वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 18t - 3t², तो वो कहते हैं एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, dv/dt, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू d/dt ऑफ वेलोसिटी की जगह 18t - 3t², तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई इसमें, 18 - 60। वेलोसिटी जब मैक्सिमम हो गई उससे तेज वो बॉडी चल नहीं पाएगी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गई, वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, मान लो 120 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चलनी स्टार्ट हो गई, तो वेलोसिटी तो बढ़ नहीं रही, तो एक्सेलरेशन उस इंस्टेंट पर क्या हो जाएगी, जीरो। तो जैसे ही जीरो होगी सॉल्व करो टाइम क्या आएगा, 3। तो वेलोसिटी जब मैक्स होगी टाइम 3, तो इस 3 को यहां पुट कर दें और एक्स निकाल लें, आंसर आएगा, सही है ये भी, आपको भी शाबाश। तो ये आंसर आ रहा है, क्लियर है, ठीक। तो इसके अंदर जब खैर आप इसको तो क्या ही देखना है, इसको तो कैलकुलस यूज कर दिया मैंने, चलो नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय अ मूविंग मोटर बोट, एक मोटर बोट चल रही है और उसकी जो एक्सेलरेशन है dv/dt वो इसके इक्वल है, वेयर k कांस्टेंट है, v0 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट कट ऑफ,
तो मान लो ये मोटर बोट एक कट ऑफ कर देती है, या आप ये लगाओ कि मोटर बंद हो जाती है, आपने स्टॉप वॉच ऑन कर लिया, स्टॉप वॉच ऑन किया तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी क्या थी, वी नॉट थी। फिर मोटर बोट चलती गई, इंजन ऑफ हो गया लेट अस सपोज, तो वो क्वेश्चन में ये पूछ रहे वेलोसिटी बताओ एट टाइम टी आफ्टर कट ऑफ। तो कट ऑफ कब हुआ था एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, तो आपको टाइम टी पे क्या निकालनी है, वेलोसिटी। तो ये कंडीशन समझ में आ रही है, t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी v नॉट है और t टाइम पे वेलोसिटी v आपको निकालनी है। आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये फॉर्मूला आप लिखें जो गिवन है, और dv बाई dt से v कैसे निकालना है हमने किया हुआ है। dt को राइट साइड पे ले जाएं, लेकिन याद रहे क्योंकि यहां पर dv चल रहा है तो v की फैमिली, v जैसी सारी चीजें आपको एक तरफ रखनी है, जैसे वी क्यू dv एक तरफ और k dt एक तरफ। अब ऐसा नहीं कर सकते ना, वी क्यूब तो इधर रह गया और इंटू डी टी कर दिया, फिर वी की इंटीग्रेशन नहीं होगी क्योंकि वी की इंटीग्रेशन तो वी डी वी के साथ ही चलेगी। तो वी क्यूब को डी वी के साथ रखने वाला स्टेप समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है, इसको डी टी के साथ नहीं रख सकते। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन में लिमिट बोलो क्या लगेगी टाइम की, टाइम इनिशियल क्या है जीरो, फाइनल क्या है टी, तो लिमिट बोलो जीरो से टी। इसमें लिमिट किसकी लगेगी, वेलोसिटी की, बोलो क्या लगेगी, वी नॉट से V, V0 से भी। तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेशन करना एक बार करना, लगाओ लिमिट, यहां लगाओ V0 से V और यहां लगाओ 0 से T और चेक करो V की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, क्या आंसर मार्क करेंगे चेक करो। देखो इसमें जो क्वेश्चन है 1 बाई वी क्यूब डी वी और माइनस के डी टी, तो 1 बाई वी क्यूब डी वी इज इक्वल टू माइनस के डी टी, ठीक है। लिमिट क्या लगाई, 0 से टी, लिमिट क्या लगाई, वी नॉट से, करें स्टार्ट। तो यहां पर v की पावर क्या हो गई, माइनस 3, V नॉट से V, यहां पर माइनस के, यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, 1 dt 0 से t, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, V की पावर माइनस 2 बाय माइनस 2, कहां से कहां तक, V नॉट से V इज इक्वल टू माइनस के t 0 से t, ऐसी क्या सबने, 1 अपॉन माइनस 2 बाहर आ गया, क्या बचा, इसको नीचे ले जाते हैं
वी नॉट से वी, वी की पावर माइनस टू नीचे जाएगी वन बाई वी स्क्वायर, ऐसे ही है, इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी, ठीक। v की जगह एक बार अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या आएगी, वन अपॉन v का स्क्वायर, एक बार लोअर लिमिट v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है, ऐसी करेंगे ना, एक बार v की जगह v, एक बार v की जगह v नॉट, और दोनों को माइनस कर दिया, राइट, क्लियर है यहां तक, ऐसे किया, कोई डाउट इसमें किसी स्टेप में, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, वन बाय वी स्क्वायर, वन बाय वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू टू के टी, ठीक, वन बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय वी नॉट स्क्वायर प्लस टू के टी, वन बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर वन प्लस टू के टी इंटू वी नॉट का स्क्वायर, निकाल लोगे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके v स्क्वायर और फिर v का अंडर रूट। फिर मुझे ये ख्याल आया मैं क्वेश्चन कर क्यों रहा हूं सॉल्व, जरूरत है मुझे करने की, ऑप्शन देखो अंडर रूट में एक ही ऑप्शन दिख रहा है, खाम खाई क्यों इसे चेक करे जा रहे हो, यहां तक तो आ ही गया आंसर, v स्क्वायर आएगा, v स्क्वायर का v अंडर रूट आएगा, चेक करो ऑप्शंस, चेक करो ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, क्या करोगे चेक करके, ठीक है सी आंसर मार्क कर देना, डन। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17th, 17th क्वेश्चन में पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन एफ। इरिटेशन होती है कभी कभी यार, बचपन से पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन ए, ये कहते नहीं ए नहीं एफ, दिमाग में जोर डलता है अननेसेसरी कि कुछ गलती ना हो जाए, चलो एफ एक्सेलरेशन है इज इक्वल टू एफ नॉट, F नॉट क्या है, कहता कुछ भी कॉन्स्टेंट है कुछ भी लगा दो, कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी, टू भी लगा सकता था फाइव भी बोल सकता था, F नॉट चलो देखो भी मत ऐसे कॉन्स्टेंट है, वन माइनस स्मॉल टी, स्मॉल टी का मतलब जो टाइम चेंज हो रहा है, और कैपिटल टी का मतलब कॉन्स्टेंट है, कंफ्यूज करने के लिए है। हाँ ये जरूर है F इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल टी, F टाइम पर डिपेंडेंट है, ये बात समझ में आती है। तो ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन क्या है, क्या निकालना है, पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू जीरो हैज जीरो वेलोसिटी, ठीक है उसने बता दिया टाइम जीरो पे वेलोसिटी क्या है, जीरो है। इन द टाइम इंटरवल बिटवीन टी इज इक्वल टू जीरो, एक इंटरवल दे रहा है टाइम का, टी इज इक्वल टू जीरो एंड इंस्टेंट व्हेन एफ इज इक्वल टू जीरो, कह रहे एक ऐसा टाइम जो जीरो से स्टार्ट होता है और वो टाइम जब एक्सेलरेशन जीरो है। अब भाई एक्सेलेरेशन कब जीरो है, पहले काम करो तुम ना एफ को जीरो ही पुट कर लो, एक्सेलेरेशन एफ को जीरो पुट करें तो जीरो पुट करेंगे ये तो जीरो से कट ही जाएगा, सॉल्व करके स्मॉल टी क्या आएगा, कैपिटल टी, तो स्मॉल टी कैपिटल टी के इक्वल है जब एक्सेलेरेशन जीरो है, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, राइट। तो इसमें वो ऐसा भी बोल सकता था इन टाइम इंटरवल स्मॉल टी इज इक्वल टू जीरो से लेके स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, स्मॉल टी जीरो से लेके टाइम क्या लेना है जब एक्सेलेरेशन जीरो है, एक्सेलेरेशन कब जीरो है जब स्मॉल टी कैपिटल टी है। देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या बोला कि बच्चा खुद ही टाइम निकाल लेगा, तो एफ को जीरो पुट करके पहले टाइम निकाला, तो कह रहे इस टाइम के दौरान आपको क्या निकालनी है, पार्टिकल की वेलोसिटी, वी के पैर में एक्स इसलिए क्योंकि पार्टिकल एक्स एक्सिस में चल रहा है, कोई खास बात नहीं है एक्स में। ये बताओ कि जब टाइम की वैल्यू जीरो है और जब टाइम की वैल्यू कैपिटल टी है, तो टाइम की वैल्यू जीरो पे शुरू में क्या गिवन है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, जीरो। टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी क्या है, जीरो। टाइम टी इज इक्वल टू कैपिटल टी पे वेलोसिटी कितनी है, वीएक्स, राइट। तो ये लिमिट समझ में आई कैसे बनी, जीरो टाइम से कैपिटल टी टाइम तक समझ में आया पहला स्टेप, हमें क्या निकालनी है वेलोसिटी, जीरो टाइम पे वेलोसिटी क्या गिवन है, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी क्या गिवन है, जीरो।
और टाइम टी इज इक्वल टू कैपिटल टी पे वेलोसिटी क्या गिवन है vx. ये केस क्लियर है? बस एक मिनट का क्वेश्चन है, उसके बाद खत्म है क्वेश्चन. यहां तक क्लियर है? ठीक है यहां तक. तो ये लो, इसके अंदर एक्सेलेरेशन होती क्या है, डीवी बाई डी टी. आपको वेलोसिटी निकालनी है, डी टी राइट साइड पे ले जाओ, लिमिट लगाएं. वेलोसिटी की लिमिट क्या बनाई थी, जीरो से वी एक्स. टाइम की लिमिट क्या लगाई, जीरो से कैपिटल टी. ये वही सेम चीज है, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो वेलोसिटी जीरो है और कैपिटल टी टाइम पे वेलोसिटी वी एक्स है. कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये लिमिट्स कैसे बनी? वो जो पूरा कंफ्यूजिंग सा पार्ट है उसमें से मैंने लिमिट्स बाहर निकाल ली है. तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा, ये तो मैंने पहली बार सॉल्व किया है, मैं फिर कह रहा हूं. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मुझे समझ में आ रहा है कि मैं लिमिट्स कैसे बाहर निकाल सकता हूं. ये टेक्निक है, ठीक. मेथड समझ में आ रहा है? अच्छा ये बताओ, क्या आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हो? क्लोक करके दिखा दो, आंसर निकाल के दिखाओ. सही आंसर आएगा इंटीग्रेशन, एफ नॉट कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म. चलो दिखाओ जरा क्या आंसर आ रहा है, अभी चेक कर लेते हैं इंटीग्रेशन कितनी भूली है कितनी याद है. ये देखो ये किया सबने, 1 डीवी, एफ नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म 1 डीटी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म. क्या ये स्टेप सबने किया? यहां तक क्लियर है? ऐसी ब्रेक करेंगे ना, ठीक है ना. 1 बाय कैपिटल टी कांस्टेंट बाहर आ गया, 1 डीटी की इंटीग्रेशन क्या है टी, तो टी डीटी की क्या बनेगी, टी स्क्वायर बाई टू. टी की पावर 1 है ना, तो टी स्क्वायर बाई टू, राइट. तो स्मॉल टी की जगह एक बार कैपिटल टी एक बार जीरो, स्मॉल टी की जगह एक बार कैपिटल टी एक बार जीरो, राइट. तो ये टर्म आ गई आपके पास. अब इसे प्लीज सिंप्लीफाई करके चेक करो क्या आ रहा है, ओपन करो और चेक करो क्या इसका आंसर एफ नॉट टी बाई टू आ रहा है आपका.
हम ये सब कर रहे हैं काइनेमेटिक्स में, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, बड़ी बड़ी इक्वेशंस कर करके, दो इक्वेशन तीन इक्वेशन ये वो पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं। हम एक चैप्टर करेंगे दो महीने बाद फोर्स एंड एनर्जी, फिजिक्स का तो पार्ट है फोर्स, स्टार्ट ही फिजिक्स फोर्स और एनर्जी से होती है। ये सारी काइनेमेटिक्स की 50% प्रॉब्लम एनर्जी और वर्क डन एक सेकंड में सॉल्व कर देगी, एक सेकंड में, कुछ करना ही नहीं है, एक लाइन में आंसर आएगा आपका। आपको कहोगे अच्छा तो फिर वही पहले करवा दो, कम से कम इससे तो बचे, नहीं ना, ये आपको आपको दो हथियार मिल गए, अगर उससे ना क्लिक हुआ तो कम से कम काइनेमेटिक्स बचाएगा, और काइनेमेटिक्स से ना हुआ तो फोर्स एंड एनर्जी बचा लेगी। तो आपको दो चीजें पता समझ में आती हैं, और आपको ये इंपॉर्टेंट समझ में आएगी, फोर्स और वर्क डन या एनर्जी से हम इन प्रॉब्लम को कैसा छोटा कर सकते हैं। क्योंकि एनर्जी में क्या होता है, जैसे एक इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी आ रही है, हाफ एम यू वो मान लो, या एक सीधी बॉडी आ रही है, वेलोसिटी यू से वी हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर से हाफ एम वी स्क्वायर हो गई, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो जितना भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है बॉडी अपने आप थोड़ा कर रही है, उसके ऊपर वर्क डन कर रहा है, तो ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाली जो कॉम्पोनेंट है ना, वो एक सेकंड में एनर्जी से इंस्टॉल हो जाएंगे, तो इसमें वी स्क्वायर यू स्क्वायर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हम आने वाले टाइम में देखेंगे इसका क्या सब्स्टिट्यूट है, पर अभी तो आप बस मजे करो, कैलकुलस देखो और देखो कहाँ इंपॉर्टेंस है इसकी। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग विद टाइम टी एज बी टी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, बी टी। ठीक है, ये तो बात समझ में आ रही है, टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वी नॉट, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो वेलोसिटी क्या है, वी नॉट। क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, तो क्या निकालना है, एक्स, कब, एट टाइम टी, टी टाइम पे एक्स निकालना है। अब ये बड़ी कंफ्यूजिंग चीज है, कंफ्यूजन ये हो गई मुझे, टाइम टी जीरो पे वेलोसिटी वी नॉट है, टाइम टी पे क्या पूछना चाहिए था उसे, वेलोसिटी, उसने क्या पूछ लिया, आधी लिमिट तो वेलोसिटी की चल रही है और आधी एक्स की चला दी। नहीं समझ में आया इसको कैसे हैंडल करना है मुझे, मैं कहता हूं कोई नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ये तो बात समझ में आ रही है कि अगर एक्सेलरेशन गिवन है और मुझे एक्स निकालना है तो मुझे इतना पता है, लिमिट्स को बाद में लगाते हैं, दो बार क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, ए से पहले वी आएगा, वी से फिर एक्स आएगा, ये तो आता है। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, लिमिट्स को छोड़ दो जो है बाद में देखेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी, डी टी राइट साइड में चला गया, लिमिट्स लगाए, वेलोसिटी की लिमिट, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी नॉट, और किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी सपोज क्या हो जाती है, वी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो लिमिट लगाई वी नॉट से वी, तो टाइम जीरो से टी, जीरो टाइम पे वेलोसिटी वी नॉट है, टी टाइम पे वेलोसिटी वी है, तो इसको अगर इंटीग्रेट करें तो वन डी वी की इंटीग्रेशन क्या है, वी, वी नॉट से वी, और बी कॉन्स्टेंट है, टी की इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय टू जीरो से टी, इसको सॉल्व करके क्या निकलेगी, वेलोसिटी, वी आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ वी नॉट। अब लेकिन हमें वी नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, तो क्या आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, इसे इंटीग्रेट करके पहले वी निकाल लो, फिर वी को लिखो डी एक्स बाय डी टी और एक्स निकाल लो, अपने आप क्लिक करेगा कि एक्स की लिमिट क्या लगेगी, पहले ऐसे करो।
चलो ठीक है, मॉडल स्कूल का जो फॉर्म आया प्लीज़ वो सारे फिल ज़रूर कर दें, चाहे उन्होंने प्राइवेट जाना है कुछ भी जाना है, सीट एलोकेट करवा दें जैसा भी। लिंक प्लीज़ मुझे सेंड करना, मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप पे। एटलीस्ट अप्लाई कर दो, सीट एलोकेट करवा लो, बाद में डिसाइड कर लेना कि क्या करना है क्या नहीं करना, जिस दिन फैसला करना होगा एडमिशन का। ठीक है, छोड़नी पड़ जाए क्या टेंशन है, 200 रुपये तो है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके वी अपर लिमिट लोअर लिमिट तो क्या आया, वी माइनस वी नॉट, और राइट साइड पे बी टी स्क्वायर बाई टू आया, क्लियर है, और वी नॉट राइट पे चला गया। कितने लोगों का ये आंसर आ गया वी का? ओके ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, एक्स। तो वी को क्या लिखें, डी एक्स बाई डी टी, तो डी टी राइट साइड पे चला गया। अब लिमिट लगाएं, अब टाइम है लिमिट लगाने का, एक्स की लिमिट क्या लिमिट, क्योंकि पार्टिकल ओरिजिन से चला था, ओरिजिन पे एक्स क्या होता है, जीरो, तो उसको इनिशियल लिमिट देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होने की वजह से एक्स की वैल्यू जीरो से लेके एक्स जो मुझे निकालना है, और टाइम जीरो से टी, तो यहां पर लिमिट पुट कर दी, ये वन डी एक्स एक्स हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे, वी नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी टी, बी बाई टू बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी, ऐसे करते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन टी है, और इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, टी क्यूब बाई थ्री, ऑप्शन मार्क करना। पॉइंट समझ में आया, एक लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है। स्कूल में नहीं आएगा ये, ठीक, क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको कि कैसे करना है? ठीक है, तो इसमें देखो, इसको ना अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं इसको लिखूंगा नोट्स बनाऊंगा, क्या करोगे नोट्स बना के, कैलकुलस सॉल्व ही नहीं होगा, खुद सॉल्व करना है, चाहे घर जाके करना पड़े लेकिन खुद सॉल्व करना है, ये टेक्निक है। आप ये गूगल ड्राइव पे है ना, 6 नंबर असाइनमेंट जाके खोल लो, मैंने अपलोड कर दिया, जाके देख लेना क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा ना देख के, आपने खुद जाके अपना आंसर मार्क करना है, उससे फायदा होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये सिर्फ आपको एक अंदाजा बता रहा हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। अब क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19, देखो अब जिन्होंने असाइनमेंट की 19 से लेके 30 तक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मतलब जैसे बोलता है ना कि वो रास्ता एकदम साफ मिलेगा आपको, जैसे अभी कितना बढ़िया लग रहा है, इफ अ कार एट रेस्ट एक्सलरेट्स यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर, तो यू जीरो है और वी कितना है 144, टाइम कितना है 20, तो डिस्टेंस बोलो क्या होगा। इसमें एक्सेलेशन तो गिवन नहीं, पहले v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा के क्या निकलेगी, एक्सेलेशन, फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से क्या निकलेगी, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? नीट में आई प्रॉब्लम है ये, तुम पेपर खोल के देखो तो सही। हाँ सही में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो क्या बड़ी बात है। ठीक है यहां तक, ये तो आसान क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 20 टू 60, यू पता है वी पता है, 4 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल बताओ क्या होगा किलोमीटर्स में, तो कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं है, सीधा लगाओ वी इज यू प्लस ए टी से फिर से ए निकालो, यूनिट्स किलोमीटर पर आर का स्क्वायर, और अगेन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से एस निकालो, आंसर किलोमीटर्स में आएगा। ये भी ईजी है, सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। ठीक है यहां तक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21, 21st क्वेश्चन के अंदर कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, यू पता है स्टॉप्ड, स्टॉप का मतलब वी इक्वल टू जीरो, कितनी देर में, 2 मीटर में। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं अगर सेम कार 80 किलोमीटर पर आवर से चले और उसको रोकना है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, एस क्या होगा। दो केस बनाते हैं, पहले कार 40 से 0 पे आती है, डिस्टेंस 2 मीटर, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2 ए एस। अब एक स्टूडेंट पूछा कि यू किलोमीटर पर आ रहे, डिस्टेंस आपने क्या लिया मीटर, आपको लेना चाहिए था 2 × 10⁻³ किलोमीटर। हाँ बिल्कुल सही है, लिख लो 2 × 10⁻³, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरा आंसर इससे भी सही आएगा, मैं बताता हूँ क्यों। जब मैंने सेकेंड केस बनाया, दूसरे केस में, केस नंबर 2 में बॉडी फिर से रुकेगी, लेकिन स्पीड क्या है 80 किलोमीटर पर आर,
टू इंटू ए इंटू मुझे एस निकालना है, राइट, एस निकालना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है। तो मैं इसलिए इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा क्योंकि मैं इसे डिवाइड कर दूंगा। डिवीजन में क्या होगा, इन दोनों को डिवाइड करके ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसल। और ये अगर मैं किलोमीटर में करता हूं 10^-3, ये भी किलोमीटर में 10^-3, जो कि क्या हो जाएंगे, क्या डिवीजन में जरूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज आप कायदे से आपको बनता है करना। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ये केस नंबर वन है। केस नंबर टू में 0^-80^2ax, तो दोनों इक्वेशंस को जब डिवाइड करेंगे 2a सब कैंसिल और s की वैल्यू क्या जाएगी, 8। आंसर मीटर्स में है क्या? मीटर्स में है, ओके, तो 8 मीटर। हाँ, वो मीटर में इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ 2 मीटर रखा, तो s भी किस में चल रहा है, मीटर में ही चलेगा। मेथड समझ में आ रहा है? अब कोई कह रहा था कि सर कैसे पता लगता है कि दो इक्वेशन को डिवाइड करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, क्या करना है? प्रैक्टिस, दो जगह दो टाइम फंसोगे, तीसरे टाइम याद आ जाएगा, पूछने आओगे इसको डिवाइड कर दो कैंसिल, फंसो तो सही पहले, फंसा हुआ बंदे को चोट ज़्यादा लगती है दिल पे, तो सॉल्यूशन याद रहते हैं। तुम अभी फंसे नहीं तो आपको ठीक लग रहा है, ऐसा ही होता है, ठीक है? जब खुद करोगे नहीं होगा, फिर आओगे कैसे करना है, फिर वो याद रहेगा आपको, तभी प्रैक्टिस सेशन लगाए जाते हैं या घर में प्रैक्टिस को बोला जाता है ताकि वो पता हुआ फंसो, हम चाहते हैं कि आप फंसो ताकि आप उससे बाहर निकल के आओ, ठीक है? क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, बहुत बढ़िया। 22, कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, इट पासिस थ्रू टू पॉइंट्स पी एंड क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस मैंने एस ले लिया, एंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 and 40 km/h, पी पे इसकी स्पीड 30 है और क्यू पे इसकी स्पीड 40 है, आपको वेलोसिटी निकालनी है इसके मिड पॉइंट पे क्या होगी। अब मिड पॉइंट पे तो मैं निकाल लूं, v²-30² = 2 × a × s/2, a तो पता ही नहीं, तो एक काम करते हैं पहले p और q की जर्नी लेते हैं, p और q की जर्नी में 40² फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इज 2 × a × s, क्योंकि टोटल जर्नी s है, तो यहां से सॉल्व करके a निकलेगा इन टर्म्स ऑफ s, क्योंकि s तो पता ही नहीं क्या है, तो एक्सेलेरेशन आ गई। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? अब एक काम करो, pb जर्नी लो, pb के अंदर v²-30² इज 2 × a × s/2, तो a की वैल्यू जो आपने निकाली वो इस नई इक्वेशन में पुट करके v निकालो क्या आएगा, एक इक्वेशन तो मैंने बना दी, a निकाल दिया, सेकंड इक्वेशन बना के इसमें v निकालो क्या होगा,
ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें वी स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as/2, a की वैल्यू 350/s, s से s कैंसल, v निकाल लेना आंसर। ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन कार एक्सीलरेट कितने लोगों ने किया अभी? करना, आंसर निकालना। इसमें ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है, अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट फॉर अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर व्हिच इट डी एक्सेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट बीटा एंड कम्स टू रेस्ट, किया हुआ है। मैंने बताया था ग्राफ बना लेना, और टोटल टाइम इसमें टी है जर्नी का। तो मैंने क्या सिखाया था कि पहले एक्सेलरेशन है अल्फा, फिर रिटार्डेशन है बीटा, टोटल टाइम जर्नी का टी है। तो मान लो कुछ देर के लिए ये एक्सेलरेट करता है टी1 और कुछ देर के लिए रिटार्ड करता है T2, और मैक्सिमम वेलोसिटी है Vmax। ठीक है, आपको Vmax निकालना है। क्या करवाया था कि आप इसके अंदर अल्फा जो स्लोप है, Vt ग्राफ की स्लोप क्या होती है? एक्सेलरेशन। तो अल्फा विल बी इक्वल टू Vmax डिवाइडेड बाय T1 कर लें इसमें, T1 की वैल्यू Vmax बाय अल्फा। यहां से बीटा इज इक्वल टू Vmax डिवाइडेड बाय T2 कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके T2। फिर t की वैल्यू क्या होती है? t1 प्लस t2, t1 की जगह t1, t2 की जगह t2। यहां पर Vmax कॉमन आ गया, LCM लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके Vmax आ गया। तो ये रिपीट है क्वेश्चन सब्जेक्टिव का जो हमने किया था, तो याद आ रहा है सबको? राइट, तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, वही सेम प्रॉब्लम को ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में पूछा है। तो अब सेकेंड टाइम किया तो देखो आपके माइंड में फिर छप गया, तो ऐसे प्रैक्टिस कर करके और इसको ठीक करते जाएंगे। ये क्वेश्चन के अंदर आप बस मुझे ये बताओ कि कॉन्सेप्ट लगेगा क्या इसमें। इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ यू, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट वन है वो 1 सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट इज, मैंने बॉल को ऊपर फेंका तो ये बॉल गई यू के साथ, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गई? 0। ठीक है, और मान लो यहां से यहां आने में उसको n सेकंड्स लगे, या मान लो t टाइम लगा, 1 सेकंड पहले वो कहीं नीचे होगी, तो यहां का टाइम क्या है? t माइनस वन। यहां का टाइम अगर t है तो 1 सेकंड नीचे का टाइम t माइनस वन। तो अगर आप इसमें टोटल t टाइम के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल निकाल दो, t माइनस वन में डिस्टेंस निकाल दो, फिर टी टाइम के डिस्टेंस में से टी माइनस वन
कि डिस्टेंस को माइनस कर दो तो डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकेंड आ जाएगा। ये तो एस एन एथ की डेरिवेशन नहीं होगी, तो कर लो और प्रूव करो इसका आंसर एस एन एथ वाला ही है ये। बस एस एन एथ हॉरिजॉन्टल में था, ये वर्टिकल एसेंट है, इसमें एक्सेलरेशन रूट ऑफ टी माइनस जी है। लगाओ जरा वन सेकेंड में क्या होगा। देखो इसमें आपके पास ये बॉल है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल क्या जीरो, यू आर वी जीरो बता दिया मैंने। तो इसमें यू और जीरो जैसे मैंने बताया, और मान लो टी टाइम लगा ऊपर पहुंचने में, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि टी टाइम होगा क्या। टी टाइम होगा आप अप्लाई करें वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो v क्या है जीरो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, एक्सेलरेशन क्या है माइनस g, टाइम क्या है t, तो t क्या है u अपॉन g। इतने समय में बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचती है, सही है यहां तक। नेक्स्ट है, यहां से यहां आने में अगर t टाइम है तो यहां आने में t माइनस 1 टाइम है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं, ये अगर टोटल डिस्टेंस और ये अगर टोटल डिस्टेंस अगर मैं निकाल दूं यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ऐसे कैसे, ये डिस्टेंस है एस ऑफ टी, टी टाइम का डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस टी माइनस, तो डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकेंड आ जाएगा। तो क्या माइनस करें, एस ऑफ टी में से एस ऑफ टी माइनस 1 माइनस कर दें, एस ऑफ टी कैसे निकलेगा, यू टी प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर माइनस यू इंटू बोलो क्या टी माइनस 1 हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी माइनस 1 का स्क्वायर। इसे प्लीज ओपन करें और अगर आंसर ना आए तो टाइम को यू पॉइंट जी पुट करके ऑप्शन निकालें, इसे ओपन कर दें, ओपन करके टर्म्स कैंसिल होंगी इसमें, तो करें।
ना, इसका आंसर नहीं आ रहा, इसका आंसर नहीं आ रहा, फिर कहीं ना कहीं इसके क्वेश्चन के अंदर कुछ गड़बड़ ऐसी होगी, ये ना कुछ चेक करके बताऊंगा, यहाँ कुछ गड़बड़ होगी, वन सेकेंड नहीं होगा, फॉर कितने सेकेंड होगा मुझे चेक करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा फिर अभी हमें। देखो एन नहीं हो सकता क्योंकि एन ऑप्शन में नहीं है, मालूम नहीं, तो हम ऐसे ही डिस्कशन में नहीं पड़ेंगे, मैं करेक्शन करवा दूंगा इसकी, तो कम से कम ये तो नहीं है, अगर होता तो आंसर आ ही जाता है इसमें, आंसर नहीं आ रहा। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन के अंदर, पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब यू इज इक्वल टू जीरो, अंडर एक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स, इफ डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज एस वन, तो पहले 10 सेकेंड का डिस्टेंस एस वन, एंड फर्स्ट 20 सेकेंड एस टू, तो फर्स्ट 20 का मतलब शुरू से ही 20 सेकेंड का एस टू, तो आपको क्या निकालना है एस टू एस वन में रिलेशन, तो बोलो एस वन कैसे निकलेगा, इक्वेशन बोलो, यू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस वन के लिए जीरो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो प्लस हाफ इंटू ए इंटू 10 स्क्वायर, क्या स्टेप क्लियर है, ठीक है यहां तक, और सेकेंड इक्वेशन में एस टू इज जीरो प्लस हाफ इंटू ए इंटू 20 स्क्वायर। अब आप अगर इन्हें डिवाइड कर लें, आपको पूछेगा डिवाइड को माइनस क्यों नहीं करें, क्योंकि ए चाहिए ही नहीं, डिवाइड करने से हाफ ए क्या हो जाएगा, कैंसल, तो 4:1 रेशियो से एस टू इज 4:S1 आ जाएगा। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे इस प्रॉब्लम को कर रहे हैं, ठीक है यहां तक क्लियर है, दो इक्वेशन। अब आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को प्लीज जरा सॉल्व करके दिखाना, एक ये करना पहले, 29th का आंसर कोई प्लीज मुझे बताए कितने लोग कर पा रहे हैं, चेक करना, आसान क्वेश्चन है, v u प्लस एटी नॉर्मल क्वेश्चन है, आंसर देखें कितनों का आ रहा है,
कितनों का आंसर ए आ गया? आ गया ए। कितनों का आ गया? एक दो। ठीक है, देखो इसमें पता है क्या दिक्कत है, देखो एक पॉइंट को समझो, ध्यान आगे प्लीज, ध्यान आगे। इसके अंदर एक बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है और ग्राउंड से बॉल, और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर्स पर सेकेंड, और टॉप पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी? जीरो। अगर टोटल हाइट एच है तो ये हाइट कितनी है? एच बाई टू, और हमारा क्वेश्चन एच बाई टू में चल रहा है, तो आप क्या करोगे इसमें? जीरो स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इज 2 इंटू माइनस 10 इंटू एच बाई टू, एच नहीं एच बाई टू, क्योंकि हमारी हाइट कवर्ड कितनी है? एच बाई टू। एच निकालना क्या आ रहा है? आ गया समझ में आया यहां तक? तो ज्यादातर लोग गलती करते हैं एच की, लेकिन आंसर में या क्या पुट करना चाहिए हमें? एच बाई टू। क्लियर है यहां तक? ठीक है, कितना आ रहा है? हमें क्वेश्चन में टोटल हाइट h निकालनी है, h बाई टू तो निकालनी नहीं है, ये h बाई टू तो आधी हाइट है। अगर आपका h, आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? h निकालना है। कोई डाउट इसमें? ठीक है, देखो अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर फॉल्स थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड ऑफ द फॉल। तो एक बॉडी नीचे गिर रही है और क्या गिवन है? यहां से यहां तक उसका टाइम टेकन क्या है? टी। 2 सेकेंड पहले वो कहीं ऊपर होगी, तो 2 सेकेंड पहले, एरो बड़ा बन गया, यहां से यहां तक 2 सेकेंड है, मतलब ये 2 सेकेंड है, तो ये टाइम क्या है? टी माइनस 2। आपको बताने आखिरी 2 सेकेंड में उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा। ये तो वही डेरिवेशन है, आखिरी 1 सेकंड में डिस्टेंस निकालो, इसमें उसने चेंज कर दिया, आखिरी 2 सेकंड में डिस्टेंस निकालो। तो हम क्या करेंगे? पहले टी टाइम का डिस्टेंस निकालेंगे, 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, एच इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्या है पॉइंट? क्लियर है। और फिर हम टी माइनस 2 की हाइट निकालेंगे, हाफ इंटू जी इंटू टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, और फिर इन दोनों को क्या करेंगे? माइनस, और माइनस करके जो डिस्टेंस है ये क्वेश्चन में कितना गिवन है? 40। आखिरी 2 सेकंड में डिस्टेंस 40 है, तो इन्हें माइनस करके क्या पुट करेंगे? 40। इसे सॉल्व करके ओपन करके क्या आएगा? टी, क्योंकि जी तो पता ही है 10। टाइम को वापस यहां पुट करके क्या आएगी? हाइट की वैल्यू। मेथड समझ में आ रहा है कैसे करना है? ये ट्राई करना है आपने, पॉइंट क्लियर है यहां तक? इसका कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एस एनथ का तो है, आखिरी सेकंड के डिस्टेंस का तो फॉर्मूला है, आखिरी 2 सेकंड का फॉर्मूला नहीं है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इंजन क्लियर है? इंजन ठीक है यहां तक? क्रिश ठीक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये इजी क्वेश्चंस हैं, 27 देख लेते हैं। 27 का आंसर एक बार प्लीज निकालना, एक बार चेक करो प्लीज।
4 to 5 कैसे? सही कह रहे हैं। तो टू बॉडीज ए, मास ए और बी का गिवन है, मास से कोई लेना देना नहीं है काइनेमेटिक्स का। तो इसमें अ ड्रॉप फ्रॉम हाइट्स ऑफ 16 एंड 25 मीटर, तो इस हाइट से कह रहा रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड। तो जब आप इसे ड्रॉप करोगे तो यू इज इक्वल टू जीरो, तो एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व करके क्या आ गया? टाइम। ठीक है, टाइम आ गया। अब एक चीज बताओ, टाइम जो है वो किसके प्रपोर्शनल है? प्रपोर्शनल अंडर रूट ऑफ एस, क्योंकि 2 और g तो कॉन्स्टेंट्स हैं, तो टाइम डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ s हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो एक बात बताओ, चलो दो केस बनाते हैं। पहला केस, जब हाइट s 16 मीटर है, हाइट s 16 मीटर है तो टाइम t1 है, जब हाइट s 25 मीटर है तो टाइम t2 है। अगर आप दो केस भी बनाते हैं, जैसे फर्स्ट केस आप ये बनाएं कि t of 1 is equal to under root of 2s1 by g, और t2 क्या बनेगा? Under root of 2s2 by g। तो अगर आप इन्हें डिवाइड कर लें, तो डिवाइड करके t1 by t2 की रेशियो क्या आएगी? 2 और g तो सेम ही है, तो यहां पर क्या आएगा? Under root of क्या? t की वैल्यू क्या है इसमें? 2s by g। हाँ, तो इन्हें डिवाइड करके आपके पास क्या आएगा? t1 और t2 की रेशियो आ जाएगी। ऐसे ही है, तो इसके अंदर लेकिन s इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर में 2s बाई जी। हाँ ठीक है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे? दो केस बनाएंगे, वैसे तो आप ओरली भी कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ ना करें, इसके अंदर ये गलत किया मैंने शायद कुछ। इसका आंसर क्या है? 4 बाई 5 की 5 बाई 4। क्योंकि t स्क्वायर इज इक्वल टू 2s by g, सही किया, और t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s है, तो यानी कि t1 by t2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s1 by s2, s1 by s2 होगा ना, तो s1 की वैल्यू कितनी है इसमें? 16, s2 कितना है? 25, तो ठीक है, ठीक है, इसका आंसर सही आ रहा है। तो यहां पर t1 जो मैंने लिखा था ठीक लिखा था, अंडर रूट ऑफ 2s1 by g, और t2 को क्या लिखा था? 2s2 by g, तो यहां से t1 by t2 की जो रेशियो आएगी अंडर रूट ऑफ s1 by s2, तो s1 की वैल्यू कितनी है? 16, s2 की वैल्यू कितनी है? 25, अंडर रूट ऑफ 16 by 25 4 by 5 आ जाएगा। वैसे इतना करने की जरूरत नहीं होती, इसमें सीधा कर लेते हैं t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, तो t1 by t2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s1 by s2, क्योंकि 2 और g तो रिपीट को डिवाइड करके कैंसिल ही होने वाला है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक, कोई डाउट इसमें? ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन फोर्थ एंड फिफ्थ सेकंड ऑफ द जर्नी, बॉडी को रेस्ट से ड्रॉप किया जा रहा है, तो फोर्थ सेकंड में ये, फिफ्थ सेकंड में ये, तो डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक।